हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो एक्टिविटी टास्क है उससे रिलेटेड सारे वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। और आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है आप लोगों का ज्योग्राफी पार्ट वन। तो आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर के बारे में देखेंगे जो कि आप लोगों का है परिवेश और भूगोल। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है मैं वो बता दूंगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को कहाँ से मैंने लिखा है उसका पेज नंबर भी मैं दे दूंगा, जिससे आप अपने बुक से भी आसानी से लिख पाओगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ मार्क कर लोगे और आराम से फिर लिख भी सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कोई डाउट ना हो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे के अपडेट भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्ज़ाम के साथ और देखते हैं ये वीडियो। तो देखो बच्चों, आज का जो चैप्टर हम लोगों ने पकड़ा है वो है आप लोगों का एक्टिविटी टास्क और वो है परिवेश व भूगोल। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को लिखने का तरीका अलग अलग होगा, जिसको मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा दे दूँगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँगा कि क्वेश्चंस कहाँ से इसका आंसर मिलेगा और कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया विभिन्न स्तरों और विस्तृती युक्त रेखा समेत पृथ्वी के भीतरी चित्र का अंकन करें, यानी कि पृथ्वी के भीतरी चित्र का अंकन करना है यहाँ पर। और ये जो है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में ही ये क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके में आप लोग को लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को एक चित्र बनाना है और वो चित्र आप लोगों को मिल जाएगा किताबों में। किताब में दिया हुआ है जो चित्र, उसी को देख करके आप लोगों को उसको ड्रॉ कर लेना है। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये है वो चित्र जिसको आप लोगों को ड्रॉ करना है, इसको अच्छी तरह से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और ड्रॉ करके आप उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसी को ड्रॉ करके लिखना है और ये मिल जाएगा आप लोग को पेज नंबर 6 पर, बुक के पेज नंबर 6 में ये दिया हुआ है। एक एक पार्ट को अलग अलग करके दिया हुआ कि मिट्टी किस किस पार्ट में किस किस लेयर पर रहती है और किस किस तरह से इसका पृथ्वी के अंदर प्रयोग हुआ है, इस तरह से ये पहले क्वेश्चन का अर्थ बनता है, ठीक है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि कहीं भूकंप शुरू होने पर क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इससे अपने भाषा में सजा कर लिखो। तो नंबर एक बात हम ये बता दें कि भूकंप शुरू होने पर निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। इसको देखिए आप लोग के बुक में दिया हुआ नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा नेट से ढूंढ करके मैंने लिखा है, तो आप लोग को यहाँ से लिख लेना होगा। तो एक नंबर पॉइंट ये होगा कि अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं, नंबर एक पॉइंट में है। मतलब कि अगर भूकंप आता है तो आपको क्या करना होगा, आपको ज़मीन पर बैठ जाना चाहिए, ये एक उपाय है। दूसरा उपाय कहते हैं क्या कि घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं, हाथ से सिर और चेहरे को ढकें, अपने हाथों से सिर और चेहरे को ढक लेना चाहिए, जिससे कि कुछ अगर मलबा टूटकर गिरता है तो उससे आपको किसी भी तरह का चोट ना पहुंचे। वहीं अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप लोगों को भूकंप के बारे में बताया गया ये चैप्टर में भी आप लोग का दिया हुआ है, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लीजिए जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो तीसरा टॉपिक की बात करें तो तीसरा टॉपिक आप लोगों का दिया हुआ है भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुक जाने पर आप वहाँ से ही निकले, ठीक है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अगर भूकंप का झटका आता है तो झटके जब तक रुक नहीं जाते हैं आप लोग को बाहर नहीं निकलना है, भूकंप जब तक स्थिर नहीं हो जाए तब तक आप लोग को नहीं निकलना है। अगर आप बाहर हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर भूकंप आ रहा है आप उस समय बाहर निकलोगे तो ज़्यादा ही खतरा का कारण बन सकता है। अगर नंबर 4 की बात करें तो अगर रात में भूकंप आ जाए और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे ही रहिए, तकिए से अपने सिर को ढक लीजिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी प्रकार का घटना न हो। अगर वही अगला पॉइंट करें तो अगर रात में 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो घर के सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें, जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं सबको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि उससे भी खतरा हो सकता है, इसलिए भूकंप से बचने के ये सारे 5 उपाय बता दिए गए हैं। अगर छठवां पॉइंट को देखें तो छठवां पॉइंट में क्या बोला गया है, अगर आप भूकंप के दौरान मलबे के नीचे दब जाएं तो किसी भी रुमाल या कपड़े से मुंह को ढके, क्योंकि मुंह को ढकने से क्या होगा कि आपको सांस जो आएगी वो फ्रेश आएगी, आपके अंदर धूल और मिट्टी नहीं जाएगी और इससे आप लोग थोड़ी देर के लिए आराम से सांसें ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा,
तब तक कोई ना कोई रेस्क्यू करके आपको जरूर वहाँ से निकाल ले सकता है। अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 में देख लो आप लोग, दिया हुआ है कि मलबे के नीचे खुद की मौजूदगी को जताने के लिए पाइप या दीवार को बजाते रहे ताकि बचाव दल आपको वहाँ से तलाश करके निकाल सके। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि अगर आप किसी कारणवश ऐसा होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यवश अगर कभी ऐसा हुआ तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी मलबे के नीचे दब गए हो तो आप वहाँ पर उपस्थित किसी भी चीज़ को इतने ज़ोर ज़ोर से बजाएं कि ताकि आसपास के लोगों को ये पता चल जाए कि वहाँ पर कोई दबा हुआ है और वो आसानी से आपको वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाल सके। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 पॉइंट को देख लिया। अगर वही अगले 8वें पॉइंट की बात करें तो अगला 8वां पॉइंट है आप लोगों का कि अगर आपके पास कुछ उपाय ना हो तो चिल्लाते रहें और हिम्मत ना हारें। मतलब कि आप लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं हारने का मतलब है इससे क्या होगा कि आप आगे तक वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हो और वो आप लोगों के ये बहुत ही कामदायक होगा और इससे कि आप आगे के सिचुएशन को संभाल सकते हो। ये हो गया आप लोगों का मुख्य पॉइंट जो कि आप लोगों को भूकंप के दौरान संभाल करके करना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही यहाँ पर पूछे गए थे। अब अगर वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पूछा गया कोई भी 5 क्षेत्रों में तीन तरह के पत्थरों के उपकरण का उपयोग उदाहरण के साथ बताना है। तो तीन तरह के पत्थर कौन कौन से होते हैं, उपयोग उसके उपयोग क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। पहला जो बात बताया गया कि 5 क्षेत्रों में तीन तरह के चट्टानों के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 है ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट का उपयोग रास्ता घाट निर्माण मंदिर का सुंदरीकरण करने में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को सुंदर बनाने में किया जाता है। ग्रेनाइट एक ऐसा प्रकार का चट्टान होता है। वहीं अगर नंबर 2 की बात करें तो बेसाल्ट है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। ट्राम लाइन, रेल लाइन, रेलवे मकान, रेलवे क्रॉसिंग, मकान बनाने के लिए ढलाई के काम में भी इसे स्टोन चिप के रूप में बेसाल्ट का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने छोटे छोटे जो पत्थर देखे हैं इससे ट्रेन के पटरियों पर जो दिखाई देता है काले कलर का पत्थर जो होता है, अथवा जो छत बनाने के लिए जो पत्थर का प्रयोग किया जाता है, जो पत्थर बच्चे लेकर खेलते हैं वही पत्थर को कहते हैं बेसाल्ट। और इसी पत्थर का प्रयोग किया जाता है, इसी को कहते हैं बेसाल्ट। और यही हमारे रोज़मर्रा जीवन में प्रयोग में लाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग साधारण रूप से करते हैं। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है चूना पत्थर यानी अवसादी चट्टान। सीमेंट उद्योग में, रासायनिक उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा आदि में, इस्पात उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के तौर पर। और इस तरह से आप लोगों को बता दें कि जो चूना पत्थर होता है वो एक्चुअली जो चूना होता है वो चूना नहीं होता है, वो चूना पत्थर दूसरा टाइप का पत्थर होता है जिसको एकदम महीन पीस करके उसका प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर देखोगे आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट कलर का पाउडर जैसा होता है, तो उनसे भी चीज़ों में और भी केमिकल्स मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें बालुका पत्थर का, तो बालुका पत्थर क्या है, एक प्रकार का औषधि चट्टान है। औषधि चट्टान आप लोग समझ सकते हो कैसे चट्टान होते हैं, जो अनन्य पदार्थों से मिल करके बने होते हैं उसे औषधि चट्टान कहते हैं। तो स्थापित शिल्प संगमरमर निर्माण में इस पत्थर का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। लाल किला, उदयगिरी, खंडगिरी का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, जैसलमेर का सोनार किला में बालुका पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इन सभी मंदिरों में भी बालुका पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग से उसकी सुंदरता और भी अच्छी हो गई है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 यानी मार्बल रूपांतरित चट्टान की। रूपांतरित चट्टान यानी मार्बल का प्रयोग कब किया जाता है, देखिए ये जो चट्टानें होती है एक के बाद दूसरा रूप धारण कर लेती है और इसी से एक नया चट्टान बनता है जिसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। मार्बल का उपयोग स्थापत्य कलाओं में प्रायः परिणाम में रूप में विक्टोरिया मेमोरियल, दिलवरा मंदिर मार्बल से बनाए गए हैं और इसी को हम लोग संगमरमर का मार्बल भी कहते हैं, जिसका प्रयोग करके जैसे मान लीजिए कि ताजमहल के मार्बल को भी प्रयोग किया गया है, उसी तरह का एक मार्बल होता है। संगमरमर का मार्बल भी एक प्रकार का बहुत ही अच्छे टाइप का रूपांतरित चट्टान है, जिसका प्रयोग ताजमहल बनाने में किया गया है। इस तरह से समझ सकते हैं कि ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को इसको क्वेश्चन में लिखना है। अगर वहीं अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत में को अच्छे संबंध रखने ही क्यों आवश्यक हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है, अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर बता दें कि पड़ोसी देशों के साथ भारत को अच्छे संबंध रखने के लिए बहुत सारे कारण हैं, इसको मैंने ये आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि पेज नंबर 74 में दिया हुआ है, उसको भी देख करके लिखना है। लेकिन उससे पहले कुछ
महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं वो बता देने वाला हूँ कि उसको आप लोग पहले लिख लीजिएगा। तो पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे होने से भारत शक्ति में शांति रह सकता है। तो इस तरह से अगर पड़ोसी देशों के साथ शांति बनी रहेगी तो हमारे देश में भी शांति रहेगा। जैसे हम लोग की कहीं अपने रूम में रहते हैं तो रूम के बगल वाले जो घर होता है उसे पड़ोसी कहते हैं, और वो पड़ोसी अगर हमसे नाराज़ रहता है तो फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता है और फिर आसपास के लोग भी उससे खुश नहीं रहते हैं। इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। वहीं अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध होने से तकनीकी क्षेत्र में हम एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। देखिए तकनीकी क्षेत्र मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम एक दूसरे को सब समय मदद कर सकते हैं। इससे हमें क्या होगा, बहुत ही अच्छा लाभ होगा। उद्योग जगत के क्षेत्र में एक दूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट है उद्योग मतलब कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कमी है, हमें कच्चा माल किसी कंपनी खोलने के लिए कच्चा माल की ज़रूरत है तो हम बगल वाले कंट्री से ले सकते हैं, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोज़गार के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करना, जैसे मान लीजिए वहाँ कंट्री के देश के लोग यहाँ आकर के इंडिया में कुछ काम कर सकते हैं, या इंडिया के लोग जैसे बाहर देशों में जाकर काम करते हैं तो इस तरह से वो विदेशों में जाकर के बगल वाले कंट्री में जाकर के नेबर कंट्री में काम कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें रोज़गार की सुविधा प्राप्त होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है आतंकवाद की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, तूफान हो गया, इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, इस तरह के आपदाओं में एक दूसरे के कंट्री एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी का हमेशा मदद करता है, ठीक उसी तरह से एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का यहाँ पर भी देश की तरह से भी मदद किया जा सकता है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख लीजिए। अब तुम समझ चुके होगे कि हमें क्या क्या काम करने चाहिए और इससे हमें पता चलेगा कि बेहतर संबंध बनाने चाहिए। भारत और उसके पड़ोसी देश मिलकर शांति की स्थापना और आर्थिक उन्नति यानी कि SAR के साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन का गठन किया है। 1985 में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान ने इन 8 देशों के साथ मिलकर के SAARC का गठन किया था, और इस मुख्य सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में उपस्थित है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने तथा एक दूसरे के और कारण व्यापार का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस सारे पॉइंट्स को समझ लिया। आशा करता हूँ कि इससे आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह का पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे चैनल पर रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए दिस इज़ दिलीप सर साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।